स्टेटमेंट देखिए मैडम, अगर आपको इज्जत नहीं है, शर्म नहीं है तो समझ लग जाइए कि क्या क्या होगा। मैसेज भी चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया मैडम। मैडम लिमिट क्रॉस कर रहा है, बहुत हो गया है। अभी महिला है, बहुत हो गया है। महिला है तो क्या मतलब, हम लोग इंसान बहुत हो गया है इनका। और मैसेज भी चाहिए, अनाउंसमेंट चाहिए। आते हैं कि भाई आ जाओ तो फ्लाइट आ जाएगा। अरे मूर्ति हो सर, सही बोला, एकदम सही बात बोला, मूर्ति है। तुम मूर्ति हो क्या यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा क्या सर? यहाँ इसको ठोक देंगे यहीं पे, समझ आइए। मोटू चला गया, तुमको सुपरवाइजर चला गया, उनको लेके चलेंगे पटना, वहाँ से बोर्डिंग रोड लेके जाएंगे हम। कब की फ्लाइट है वो तो बता दो। अभी अनाउंस करवा रहे हैं, बोल कर रहे हैं, धमकी हो रहा है। पीएमओ कर रहे हैं, मोदी जी बोलेंगे, हम महिला है क्या सर? चाहिए ऑफिस में। ए भाई तुम्हारा, ए राजा सुन, ए राजा पीएमओ तुमको समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं होगा? पैसा दिया ना, क्यों नहीं होगा? पैसा दिया ना, क्यों नहीं होगा? हमारी क्यों बोल रहा है की नहीं चलाने से फायदा? पैसा दिया ना, पैसा देके जा रहे हैं ना, फ्री में जा रहे हैं, चलाने से फायदा नहीं होगा। सर्विस क्या तुम्हारा देने का ड्यूटी है ना, मेरा ड्यूटी है। चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, तुम ऐसे की बात कर रहा है, चुतिया जैसे बात कर रहा है, चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। इतना क्लियर करो, फ्लाइट एट से भी आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। आशीर्वाद देगा, पैसे पैसे देख रहा है ना, जाएगी फ्लाइट 8:30 बजे आ जाएगी। करो अब बिहेवियर की बात मत करो, बोलना चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। पैसा हमने दिया, तुमने दिया क्या? आप बिना मतलब का फसाद का घर है। तांत्रिक कारण बिलम जीवन कर रही है, बिजनेस जीवन रही है। सुबह सुबह नींद जो खराब होती है ना, इतना छिड़छिड़ापन होता है। मैं पुणे से आ रही हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए, हद हो गया। बारह एक बजे, 12 बजे तो नींद ही नहीं आता है। इधर आने का टाइम, इधर आने का आई जस्ट। ये है मॉर्निंग हमारी, आज आरा में शो है मेरा, सो फ्लाइट डिले हो गया है। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला है, बोर्डिंग होने के बाद 6:50 का बोर्डिंग टाइम था, सो फ्लाइट डिले हुआ है। अभी ये लोग मैसेज कर रहे हैं कि फ्लाइट डिले है, सो हमारी बिहारी पब्लिक उमड़ पड़ी है उन सबके ऊपर। Spice Jet has to ban. बस यही रिव्यू एक स्पाइस जेट के लिए। लाइफ में कभी भी कोई भी ट्रैवल कर रहा है, प्लीज स्पाइस जेट से आप ट्रैवल ना करें। इतना थर्ड क्लास फ्लाइट है, दिस इज माई लास्ट ट्रैवल। लाइफ में कभी भी स्पाइस जेट से फ्लाइट मत करिएगा आप, और मॉर्निंग की फ्लाइट तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिगो इज फार बेटर,
प्लीज इतना शेयर करो कि स्पाइस जेट बैन हो जाए सीरियसली, बिकॉज हम लोग ने उन्हें गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हम लोग ने उनको बोला भी कि आप हमें रिपोर्ट दिखाइए कि फ्लाइट में जो भी इश्यूज है आप रिपोर्ट दिखा दीजिए, बट उनके पास वो भी नहीं है, सो दे आर लाइंग, झूठ बोल रहे हैं और सबको बस फंसा के रखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। सब लोग यहाँ पे 4-5 बजे से आके बैठे हुए हैं और मैं खुद भी आई हूँ, सो सीरियसली नींद नहीं हुई है कम्प्लीट तो एकदम चिड़चिड़ी हो गई हूँ और मैंने बहुत फाइट किया आज एयरपोर्ट पे, फर्स्ट टाइम फाइट किया, होगा ऑब्वियसली होता है। चश्मा हटा दिया, बढ़िया सुबह सुबह। गरिया दी हम गरिया दिन पटना में आके देखेंगे। ये है हमारे बिहार के लाल, डोंट टच मी, मारो पकड़। मैडम का वो बहुत कमीनी टाइप की है। मैडम का वीडियो लास्ट टाइम यही फौजी भी नहीं है, मैडम का वीडियो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, मैडम का वीडियो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। मैं और किसारी जी लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, सेम क्वालिटी यू मदर चो यू टू सेंड यू सर, थैंक यू। लास्ट टाइम मैं और किसारी जी ट्रैवल कर रहे थे तो हम दोनों का लगेज एक ही बैग में था, तो बोल रहे कि अलाउ ही नहीं, आप दोनों को टिकट अलग अलग है, लेकिन साथ में ट्रैवल कर रहे हैं ना भाई, आपको वेट से मतलब है ना, वेट से मतलब है भाई, बोल रहे कि नहीं दोनों का अलग अलग लगेज में, क्या हाथ में बोतला उठा के जाएंगे हम? सो आप लोग देख सकते हैं मैं पंकज जी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मॉर्निंग में, कुछ तो काम होना चाहिए मॉर्निंग में। मेरा भाई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है मेरे साथ और मेरा भाई फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है और सीन देखो मैं इतनी खुश थी, खुश हूँ, मेरे भाई को पता चलना चाहिए क्या क्या होता है छोड़ दूँ ये औरत बहुत कमीनी टाइप की है, इसकी मुंह तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। देखो इसकी शक्ल देखो, गुप्ता स्पाइस जेट एक रेलवे स्टेशन के जैसा ही है या उससे भी घटिया को, रेलवे स्टेशन पे तो ट्रेन हम कोई और पकड़ भी लेते हैं, एयरपोर्ट पे मेरा भाई सुबह सुबह पहली बार उठ के आया है तो मैं भी ऐसी मरीज टाइप की लग रही हूँ।
इनका गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। मैं मार देता उसको, छोड़िए उन जैसा क्या बनना। मैं तो नहीं रहता हूँ, नहीं रहते हमको, नहीं दो कपूर खींचेगा इसको हमारे भाई। तो इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग डेली सुनने के लिए यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ये सर मैं क्या उसको बोला नौकरी नहीं तो मैं दे देता हूँ। वो है नौकरी कर लो जल्दी, शर्म है कुछ नहीं कर सकते। अब बैठ जाइए चिल पे, चाय पी लीजिए। 8:30 बोला है ना, 8:30 बॉर्डिंग स्टार्ट होगा, 9:00 का फ्लाइट है। जब नहीं आएगा तब देखेंगे। अच्छा हुआ मैं थोड़ा सा मैं तो खींच देता हूँ, तो मैं भी कभी कभी खींच देती हूँ। नहीं तो मैं तो मारता भी मैं चौधरी समझ रहा अपना। चौधरी ये नहीं था, चौधरी का पहला बंदा था ना वो तो चला गया, वो चौधरी था वो मेरे को क्या पता ना। हाँ मैं सबका रिफंड करता हूँ, पैसे उसकी भक्ता वो है। मैं इसके घर से बुला दूंगा, इसको पता नहीं है इसका एड्रेस, तो मैं घर से ही बुला दूंगा। कोई बात नहीं, एड्रेस का क्या करेंगे। अपने पास ऐसे ऐसे लोग सामने वाले दूसरा फालतू एयरलाइन स्पाइस जेट नहीं, इंडिगो अच्छा है। इंडिगो बहुत अच्छा है, मॉर्निंग के चक्कर में ये फ्लाइट लेना पड़ता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं, मॉर्निंग के चक्कर में ये फ्लाइट लेनी पड़ती है स्पाइस जेट फालतू की, अदरवाइज कोई इशू नहीं। हाँ क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जल्दी पहुँच के उतना काम खत्म करें। मैं तो ये यहाँ पे दुल्हा बन के खड़ा क्यों है यहाँ पे भाई, यहाँ क्या काम है इसका। जाओ ना भाई घर पे, यहाँ पे छूट फूट लगाया क्या काम है इसका। जाओ मॉर्निंग मैं अभी पटना की फ्लाइट पकड़ नहीं आई थी, जो 6:50 का फ्लाइट था जो कि डिले हो चुका है, और आज मेरा आराम इवेंट है। सो पहुंच जाएंगे हम लोग मेबी शायद 12:00। ठीक करता हूँ। हाँ जी सर, ऑल द बेस्ट। हम लोग भी दिमाग खराब कर लिया, हम लोग कर ही रहे अभी तक। हाँ यहाँ के एयरपोर्ट वाले अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं, सब लोग चाय कॉफी पियेंगे बैठे बैठे, कोई पीता नहीं होगा इसलिए शायद फ्लाइट डिले कर दिया। मॉर्निंग में कोई भी आदमी आएगा तो चाय कॉफी तो पीना ही पीना है उसको। चलिए ये था आज का सुबह मॉर्निंग का सीन। ऊपर है, ऊपर है। कितने बजे का फ्लाइट हुआ? आ गया फ्लाइट, आ गई। वहाँ जाके भी मचमच होगा। सब नहीं नहीं वो पक गए सुन सुन के। सब यहाँ से भी जाएंगे, 15-20 मिनट लग जाएंगे, फिर वहाँ जाके शांत हो जाएंगे। इसलिए आई कार्ड लिया। अरे मैडम तो बोली फोटो मत लो मेरा। मैडम तो लाइव हो गई है, सब दुनिया देख ली उनको। ये आई कार्ड दिया मैडम ने, मैं बोला ये इसको ट्रेन से जाइए तो मेरा शो हो गया। रिप्लेसमेंट के लिए बुला रहे हैं। रिप्लेसमेंट रिफ्रेश नहीं,
रिप्लेसमेंट बॉय नो रिफंड दे भाई मेरे को जाना है रिफंड लेकर रिफ्रेश क्या हुआ फोटो खींचने के लिए बोल रहा हूँ बोला आवेदन कैसे हाँ भाई इसे खींच ले वहां से उल्टा उल्टा फोटो खींचेंगे चलिए हम एक पुलिस अफसर हैं उनसे फोटो खिंचवा के आते हैं बाय सी यू लव यू सी यू इन पटना बाय